नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सबको क्रेजी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें इन सारे चीज़ों की ज़रूरत है। ये है 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप मैदा, 1.5 कप शुगर, 4 इलायची, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच रोज वाटर, थोड़ा सा केसर का धागा। रोज वाटर और केसर का धागा ऑप्शनल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मिल्क पाउडर में मैदा ऐड कर देते हैं, बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। अब ये सारे ड्राई चीज़ को अच्छे से हाथ में मिला लेते हैं। ये सारा ड्राई चीज़ अच्छे से मिल गया है। अभी हम इसमें घी ऐड कर देते हैं और घी को भी अच्छे से मिला लेते हैं। घी अच्छे से मिल गया है, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर में है, आप चाहे तो दूध के बदले में पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और बहुत हल्के हाथ से इसको मिलाना है। आटा जैसे नहीं गूंदना है, आटा जैसे हम अगर गूंद लेंगे तो ये मिक्सचर से घी निकलना शुरू हो जाता है और इससे गुलाब जामुन जो होता है बहुत हार्ड होता है। तो ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है कि यहाँ पे हमें बस मिला लेना है सारे चीज़ को, बहुत ही हल्के हाथ से आटा जैसे नहीं मसलना है। और ये मिक्सचर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं उतना हार्ड नहीं रखें, उसे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। ये डो हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा हाथ में चिपक रहा है, कोई बात नहीं, जब ये 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होगा उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसका गुलाब जामुन बनाएंगे। जब तक हमारा गुलाब जामुन का आटा सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है। अभी हम इसमें 1.5 कप शुगर ऐड करेंगे। 1.5 कप शुगर के लिए हमें 1.5 कप पानी ही चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं उसे कम नहीं। गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। चाशनी में उबाल आ गई है, अभी हम इसमें इलायची, केसर और रोज वाटर डाल देते हैं और चाशनी को थोड़ी देर और उबलने देते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा चाशनी को ऐसे हाथ में लेंगे और ऐसे हाथ में वो तेल जितना चिपकता है उतना ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। मतलब कोई तार का चाशनी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। चाशनी हमारा बन के रेडी हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। 15 मिनट हो गया है, ये डो हमारा सेट हो गया है, अभी ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकता है। अभी हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसको दबाते हुए गोल करेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा आप जितने बड़े या छोटे जैसे गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से लीजिए। ऐसे गुलाब जामुन जब तेल में जाता है वो थोड़ा सा ज़्यादा फूल जाता है और जब चाशनी में जाता है थोड़ा और ज़्यादा फूल जाता है। छोटे बड़े गुलाब जामुन आपको जैसे चाहिए आप थोड़ा सा डो लीजिए और ऐसे दोनों हाथ में दबाते हुए उसको गोल करिए। ये बॉल जो होता है वो उस पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहता है, अगर थोड़ा सा भी क्रैक रहेगा तो जब ये तेल में जाएगा फट जाएगा। सेम प्रोसेस में हम बाकी के सारे बॉल बना के रेडी कर देते हैं, लेकिन ध्यान हमें रखना है कि थोड़ा सा भी क्रैक ना रहे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बना रहे हैं तो ये डो को आप ढक के रखिए और एक एक उठा के बॉल बनाइए, नहीं तो ये डो जो है वो थोड़ा सा सूख जाता है। हमारे सारे गुलाब जामुन के बॉल बन के रेडी हो गया है, अभी हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें तेल ठंडा नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से वो जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो गुलाब जामुन जो होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो तेल हमें मीडियम गर्म ही चाहिए। एक एक करके हमें गुलाब जामुन डाल देना है। इसमें गुलाब जामुन एक साथ आ जाए उतना डाल दीजिए। कढ़ाई को एकदम भरना नहीं है, उसमें थोड़ा सा स्पेस रखना है। ये मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिया है। अभी हम इसे एक कैंची लेके नीचे से ऐसे तेल को हिलाएंगे। हमें कोई भी गुलाब जामुन को उलट पुलट नहीं करना है, बस तेल में तेल को हिलाना है। उससे वो गुलाब जामुन जो है वो चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाता है और चारों तरफ से जो कलर होता है वो सेम कलर रहता है, नहीं तो एक साइड से वो ज़्यादा जल जाता है, एक साइड से कम हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। में जाने के बाद गुलाब जामुन का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो चारों तरफ से धीरे 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 गोल्डन ब्राउन होना शुरू कर देता है। लेकिन हमें तेल को ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अगर हम छोड़ देंगे तेल को बीच में तो एक साइड से ज़्यादा जल जाएगा और ऊपर साइड से थोड़ा कम रहेगा। तो हमें तेल को ऐसे ही चलाते रहना है जब तक गुलाब जामुन अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
ये गुलाब जामुन अच्छे से कुक हो गया है, चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और ज़्यादा रखिए, अगर थोड़ा कम चाहिए तो इसी टाइम में आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता है तो मैं अभी इसको बाहर निकाल के प्लेट में ले लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए और इसको तेल में कुक कर लीजिए। हम ये गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देते हैं। ध्यान रखना है जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में डालें तो चाशनी हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और गुलाब जामुन तो ऐसे गर्म होता ही है। अभी हम इसको ढक के 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2-3 घंटे के बाद हम अपना गुलाब जामुन सर्व कर सकते हैं। 3 घंटा हो गया है, हमारा सुपर टेस्टी स्पंजी और जूसी गुलाब जामुन बन के रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट इसको काट के देखते हैं ये कितना स्पंजी है अंदर से। ये गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनी है, चाशनी को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है, बस 2-3 चीज़ की ध्यान रखना है। जैसे हम गुलाब जामुन का डो बनाते हैं उसे थोड़ा सा स्टिकी रहने देते हैं, डो को हमें बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, बस हल्के हाथ से उसको मिला लेना है। दूसरी बात है जब हम फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को तो तेल को हम मीडियम हीट में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं रहना चाहिए, बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए। और चाशनी जो बनाएंगे चाशनी बहुत पतला नहीं रहना चाहिए और बहुत गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, चाशनी एकदम तेल जैसा चिपकना चाहिए हाथ में, बस वैसे ही चाशनी चाहिए। आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और नीचे दिए गए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।